हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है नई कविता। नई कविता की शुरुआत कब हुई थी और सबसे पहले किसने की थी, आज के हम वीडियो में ये देखेंगे। आइए देखते हैं नई कविता। नई कविता सन 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो समय था 1951 से 1960 तक रहा। और जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वो अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी एक प्रयोगवादी कवि हैं जो कि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। कविता जीवन के छोटे छोटे अनुभवों की कविता है, यानी कि हमारे जीवन में जो घटना घटती है उनसे जो हमें अनुभव होता है उसमें वे कविताएं नई कविता के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके की कविताएं इसमें साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा गया है। इसमें साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा गया, यानी कि जो गरीब या मजदूर लोग होते हैं, साधारण मनुष्य का मतलब ये होता है। इस काव्य धारा का वैचारिक आधार अस्तित्ववाद है। क्या कहा गया कि नई कविता जीवन के छोटे छोटे अनुभवों की कविता है। इसमें साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा गया है। इस काव्य धारा का वैचारिक आधार अस्तित्ववाद है। नई कविता में आम आदमी को लघु मानव कहा गया है। जो नई कविता में आम आदमी को लघु मानव कहा गया है, लघु मानव मतलब कि जो एक गरीब मजदूर लोग होते हैं उन्हें लघु मानव कहा गया, यानी लघु यानी कि छोटा मनुष्य कहा गया। लघु मानव के हर क्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। लघु मानव के हर क्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण जीवन के हर प्रसंग की अपनी कीमत एवं अर्थव्यवस्था होती है। इस काव्य धारा में अस्तित्ववाद के प्रभाव के कारण व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की प्रतिष्ठा की गई है नई कविता में आम आदमी को लघु मानव कहा गया है। लघु मानव के हर क्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण जीवन के हर प्रसंग की अपनी कीमत एवं अर्थव्यवस्था होती है। इस काव्य धारा में अस्तित्ववाद के प्रभाव के कारण व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की प्रतिष्ठा की गई है। नई कविता नाम का प्रयोग सर्वप्रथम अज्ञे ने किया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका नई कविता का जो प्रयोग किया है सबसे पहले वो अज्ञे जी ने किया है। अज्ञे जी एक प्रयोगवादी कवि हैं जो कि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। जो तार सप्तक हैं, जो चार हैं वो, तो उनकी भी शुरुआत अज्ञे जी ने ही की थी प्रयोगवाद में। आगे क्या है इसमें, 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी नई कविता। थैंक्स।